Good morning, dear students. Welcome to your English class. Today we are going to read comprehension. Comprehension हम आज करेंगे. Comprehension क्या होता है? इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसे आप रीड करोगे. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको रीड करके इस पैसेज में से आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, आपको ऐसे ही एक स्टोरी दी जाएगी छोटी सी. उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं, जैसे हम चैप्टर्स रीड करते हैं बुक में उसी तरह से. ठीक है, सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड टेक द करेक्ट ऑप्शंस. अभी हम ये बुक वाली करेंगे. एक छोटी सी स्टोरी हमें दी हुई है, इसे रीड करेंगे और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. शेरू इज अ लायन कब. He does not brush his teeth. He does not take bath. He gets ill. His mother takes him to a doctor. The doctor says, always be clean. Brush your teeth. Take these pills. अब क्या है, ये एक छोटी सी स्टोरी दी है हमें शेरू की. पैसेज में हम क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में, हम अच्छी तरह से ध्यान से इस पैसेज को रीड करते हैं और उसके बाद जब क्वेश्चंस रीड करेंगे तो हम ढूंढेंगे कि यहाँ पे हमें आंसर कहाँ दिया हुआ है. ठीक है, तो ये स्टोरी किसकी है, शेरू की. शेरू कौन है, एक छोटा सा लायन कब है, छोटा लायन का बेबी है. ही डज नॉट ब्रश हिज टीथ, वो अपने टीथ में ब्रश नहीं करता था और ना ही वो नहाता था, तो क्या हो गया, वो बीमार हो गया. ही गेट्स इल. अब उसकी मदर उसे डॉक्टर के पास लेके गई और डॉक्टर ने क्या कहा कि हमेशा क्लीन रहो, हमेशा साफ रहो, ब्रश करो टीथ, रोज़ ब्रश करो और मेडिसिन खाओ, क्योंकि अब वो बीमार है तो उसे पिल्स खानी पड़ेंगी, मतलब दवाई खानी पड़ेगी. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन क्या है, हु इज़ शेरू. शेरू कौन था, अब आप यहाँ ढूंढोगे आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले लाइन में क्या लिखा है, शेरू इज़ अ लायन कब. हमें आंसर मिल गया लायन कब, तो टाइगर कब या लायन कब, आंसर है लायन कब, तो हम इस पर टिक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, डज ही ब्रश हिज टीथ, क्या वो अपने टीथ ब्रश करता था, यस और नो. ही डज नॉट ब्रश हिज टीथ, मतलब वो अपने टीथ ब्रश नहीं करता था. इट मीन्स आंसर क्या है, यस है या नो है, नो, तो नो पे टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हु गेट्स इल, बीमार कौन हुआ, शेरू या शेरूज मदर. शेरू बीमार हुआ था या शेरू की मदर, तो ही गेट्स इल यहाँ पे लिखा है, तो ही हमने किसके लिए यूज़ किया है, शेरू के लिए. दैट मीन्स कौन बीमार हुआ था, शेरू, तो शेरू पे टिक करेंगे. वेयर डज हिज मदर टेक हिम, उसकी मदर उसे कहाँ लेकर गई. His mother takes him to a doctor. To a doctor, to a school. तो कहाँ लेके गई थी, to a doctor. तो doctor पे टिक करेंगे. Last question number फाइव is, do you brush your teeth? क्या आप अपने teeth brush करते हो. मैं तो करती हूँ, तो मैं लिखूँगी yes. अगर आप भी करते हैं तो आप भी टिक करेंगे yes पे. और मुझे पता है आप सब अपने teeth brush करते हैं, है ना. So this is the कॉम्प्रिहेंशन. तो इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें आपको स्टोरी रीड करनी है और फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने हैं. समझ में आ गया आपको, थैंक यू.